अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है आज की मीटिंग। और इसी कड़ी में हमारे अमित सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी साहब, एक बार अमित सर को कोच बना दीजिए। वेलकम अमित सर। जी साहब, अमित नाम आया तो था यार। जी साहब, अमित सर को कोच बना दीजिए। और हाँ दोस्तों, जी, आप सबके बना दिया सहयोग मैंने। से, अमित थैंक यू दोस्तों, आप सबके सहयोग से और जिबी साहब के सहयोग से मैं आपके जोरदार क्लैपिंग के साथ अमित सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अमित सर आइए और प्लीज स्टार्ट कीजिए सर मीटिंग को। ऑलरेडी हम 7 मिनट लेट। अमित सर, ओवर टू यू। वेलकम अमित सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अगर हम देखें, ये महीना बहुत बेहतरीन है और इस महीने की जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो महीना है वो प्लान अगर आप करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। अगर आप देखेंगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज मीटिंग में। मेरा नाम अमित है और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने गुड मॉर्निंग के वार्निंग से। और मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूं आप लोगों के बिजनेस में। आप लोगों के कहीं पे कंप्लेन है, सजेशन है, उसमें मैं और कंपनी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचती है कि आप बिजनेस में आगे बढ़े। और आपके और कंपनी के बीच में एक माध्यम हूं मैं, जो आपकी बात कंपनी तक पहुंचाता हूं और कंपनी की बात आप तक पहुंचाता हूं। और कहीं ना कहीं हम चीजों को एक ऊपर के नजरिए से देखते हैं और ऊपर से चीजें क्लियर दिखती है कई बार। जब अपने लेवल से आप कोई चीज देखते हैं तो वो कई बार चीजें अगर आप देखेंगे, यहां से देखेंगे तो बहुत दूर का नहीं देख सकते खड़े हो। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप बिजनेस को एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सके। और हम में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखें, बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में प्लानिंग करें। तो मेरी आप लोगों से, क्योंकि कम लोग हैं अभी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो इस महीने अपना चेक पिछले महीने के चेक से 50,000 या 60,000 या सपोज करो डबल करना चाहते हैं। अपने हैंड रेस करेंगे और मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। डबल कितने लोग करना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, वो हम लोग बात कर रहे हैं। हैंड रेज किया आशा कुमावत जी ने। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें मैम। आशा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, गुड जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपका आपका अगर आप अपने बिजनेस को डबल करना चाहते हैं तो क्या सोचते हैं? क्योंकि जब आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग आती है। अगर दिवाली अच्छे से मनेगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं घर में सफाई करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नई चीज लेके आनी पड़ेगी, लाइटिंग लगानी पड़ेगी। उसके लिए प्लानिंग 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। फिर दिवाली आती है और हम लोग फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपका चेक डबल होना चाहिए तो क्या थॉट आते हैं आपके दिमाग में कि अपने बिजनेस को, अपने चेक को कैसे डबल कर सकते हैं? जी सर, हम ज्यादा वर्क करेंगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे बिल्कुल और उन्हें अपना प्लान बताएंगे, ज्वाइन करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये है ना, आपने बहुत सही बोला, आपने बहुत सही बताया कि ऐसे करेंगे। लेकिन ये बेसिक है, ये जी सर, बेसिक है कि कोई भी व्यक्ति इन्हीं तरीके से बिजनेस बिल्ड करता है। लेकिन इससे अंदर भी बारीकी है, ये एक आउटलाइन है बाहर खड़े होके हमें कहने के लिए कि हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या बात करनी पड़ेगी और कैसे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप बहुत सही रास्ते पे है कि आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि इतने लोगों में
60 लोगों में ये एक हैं जिन्होंने हैंड रेज किया, बाकी लोगों ने हैंड रेज ही नहीं किया कि उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा ना। तो ये बेसिकली एक लीडरशिप की पहचान है कि जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सामने आता है और धीरे धीरे ऐसे लोग ही लीडर बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जूम मीटिंग पे आते हैं लेकिन वो अपना कैमरा भी ऑन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कई उस हालत में नहीं बैठे होते, वो लेट के सुन रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, पूरा फोकस इस पे नहीं होता। और जिन लोगों का पूरा फोकस होता है वो हमेशा आप देखेंगे वो कैमरा ऑन करके बैठते हैं और आपके आई कॉन्टेक्ट में रहता है और वो डिस्टर्ब भी नहीं होते। तो इस बिजनेस के लिए भी ऐसे फोकस चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस को टाइम दे सके। मेरा मानना यह है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। अगर आप अपने चेक को डबल करना चाहते हैं तो आप सपोज करो आप कैप्टन हो अपनी टीम की और आपके पास में 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 11 लोग चुनना है आपको, तो आप सबसे पहले अपनी टीम में किन लोगों को चुनेंगी? आप क्रिकेट खेलना चाहती है, कोई भी टीम बनाना चाहती है, तो कैसे अपनी टीम का चुनाव करेंगी? जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में अच्छा ज्यादा वर्क करूंगी। लेकिन आपने क्या अपनी टीम में आइडेंटिफाई किए अभी लोग जिन लोगों के साथ में आप काम करना चाहती हैं? जी अभी ऐसा तो नहीं देखा मैंने मैम। ये बेसिकली देखिए आज क्या है, आज अगर मुझे अपनी टीम बनानी है तो मुझे टीम में देखना पड़ेगा कि मेरी टीम में कितने बैट्समैन है, कितने बॉलर है और कितने फील्डर है और कितने ऑलराउंडर है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मोदी केयर जो टीम है, देखो ये बिना अकेले का गेम तो है नहीं, ये तो टीम का गेम है। अकेले तो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी और टीम में लोग होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोग चुनने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस में आपकी आपका गोल जो है उस गोल को वो चाहते हो। जैसे टीम का हर प्लेयर चाहता है कि उसकी टीम जीते जी सर, और इसलिए वो खेलता है, अच्छा खेलता है कि उसका भी नाम हो, टीम का नाम भी हो। ऐसे इस बिजनेस में भी आपको टीम बनानी पड़ेगी और आपको चाहिए कम से कम 11 से 12 लोग, जो 12 लोग अपने लिए भी खेले और टीम के लिए भी खेले। और वो 12 लोग आपको चुनने पड़ेंगे। आपके पास हो सकता है 150 लोग हो, 200 लोग हो, आपके पास में हो सकता है 5,000 लोग। मैं अभी इनकी निखिल जी की, नरेंद्र जी की टीम की बात कर रहा था, इनकी टीमों में लगभग 20-20 हजार लोग हैं, लेकिन ये 20 हजार लोगों के साथ काम कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये काम उन्हीं लोगों के साथ में कर सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई करें। तो आपको सबसे पहले आपके पास लोग बहुत होंगे लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग आइडेंटिफाई करो, 11, 12, 15, 16, 20, 4 हर लेग में से, इस लेग में से 4 लोग, इस लेग में से 4, इसमें से 4, इसमें से 4 और 2 लेग और, इसमें से 4, इसमें से 4, तो ये 6 लेग। ये 6 लेगों में अगर आप देखेंगे, ये 6 लेगों में आपको 24 लोग मिलेंगे और एक आप। इसलिए कहा जाता है टीम 25 बनाना, और वो जो टीम 25 है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो उसके साथ में हर महीना बिना फेल हुए आपको मीटिंग करनी, उनका विजन क्लियर करना है और अपना विजन क्लियर करना है, और वो कहां पहुंचे, जहां आपने गोल बनाया था वो कहां तक पहुंचे, इस गोल पे काम करना है। और आप देखेंगे 6 महीने में अगर आपकी टीम परफॉर्म करती है, आप अच्छे कैप्टन होंगे, और अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो आप अच्छे कैप्टन नहीं, क्योंकि आपने टीम में इनपुट नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को देखना पड़ेगा, उन लोगों के साथ में प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो क्या चाहते हैं और वो किस में एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो वेल के प्रोडक्ट्स में बहुत एक्सपर्ट है, उनसे अपनी टीम में वेल के प्रोडक्ट्स पे काम कराइए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो लेडीज है जो अर्बन कलर में बहुत एक्सपर्ट है, उनसे मेकअप की क्लास करवाइए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको होम मीटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, आधे घंटे में खत्म मीटिंग कर देते हैं। कुछ लोग डेमो बहुत अच्छा दिखाते हैं, कुछ लोग बिजनेस प्लान में बहुत तेज है, बिजनेस प्लान में कैलकुलेशन आती है उन लोगों को। तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई कीजिए और जब ऐसा टैलेंट आएगा तो आपकी पूरी टीम पे उसका असर पड़ेगा और पूरी टीम आगे बढ़ेगी। ये बिजनेस मेहनत करने का नहीं है जितना ये बिजनेस है स्मार्ट वर्क करने का, और स्मार्ट वर्क तभी हो सकता है जब आपके पास में अलग अलग तरह का टैलेंट हो, और नहीं है तो लोग लाइए और जो लोग आते हैं उनमें से टैलेंट ढूंढिए कि किस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है।
और जब ये चार लोग एक लाइन में, चार लोग ये भी एसिडी बन जाए, ये भी एसिडी बन जाए, ये भी एसिडी, तब तक नहीं रुकना जब तक ये चारों लोग एसिडी नहीं बन जाते। और जब ये एसिडी बन जाते हैं तो आपकी ये लेग लगभग मान के चलिए 5 से 6 लाख बीवी कर रही है, और चार लेग भी अगर 5 से 6 लाख बीवी कर रही है तो मतलब 20 लाख का बिजनेस, 20 लाख का बिजनेस मतलब आपका जो चेक है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमें जो, देखो जब आप निशाना लगाते हो तो निशाना आप सब पे नहीं लगाते हो, निशाना आप एक जगह लगाते हो। इस बिजनेस में भी आपको, जब आपको अपनी लीडरशिप ढूंढनी है तो आपको अपनी चॉइस की होनी चाहिए, और या उससे आप बात करें, और बात करने के बाद में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट पे आए कि हम लोग एक ही चीज करेंगे, एक ही लेवल पे आएंगे, एक ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें कहीं ना कहीं अपनी मीटिंगों में और अपनी होम मीटिंग में या अपनी पर्सनल मीटिंग में लोगों को आइडेंटिफाई करना। और सबसे अच्छी, अगर आपको कार्यकर्ता चाहिए, देखिए कार्यकर्ता हमेशा पैसे वाला नहीं बनता, कार्यकर्ता वो बनता है जो नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं है, अभी लोअर क्लास में है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी टीम में ऐसे हैं, जो 10-10 हजार रुपए के लिए, 12-12 हजार रुपए के लिए हाथ पैर मार रहे, उन लोगों का जरिए बनिए और उन लोगों को सिखाइए कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। अविश्वास मानेंगे, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ पे जयपुर में एक ऑटो वाला है, ऑटो वाला लगभग 80 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 80,000 रुपीज मंथली, आप समझेंगे कितना बड़ा पैसा है। और अब उसने ऑटो चलाना छोड़ दिया पिछले लगभग 7-8 महीने से, अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ मोदी केयर करता है और एक अच्छी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम हमारा प्लानिंग का है, प्लानिंग कीजिए क्या करना है और उस करने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या टाइटल चाहिए, उस टाइटल के हिसाब से लोगों को प्लेस कीजिए कि इस लेग में चाहिए, ये लेग मेरी कमजोर है, इसमें 2 लोग और डालिए, 4 लोग डालिए, 6 लोग डालिए, 10 लोग डालिए, ये लेग स्ट्रोंग है, इसमें आप और मीटिंगें बढ़ाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले 6 से 8 महीने में आप देखेंगे आप 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान होना चाहिए, प्लान के ऊपर लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए, और लोग जब आइडेंटिफाई हो जाए उनके साथ में एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए, किसके साथ में क्या एक्टिविटी करने से मुझे बिजनेस आएगा। कुछ लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ लोगों को परिवर्तन की जरूरत है, कुछ लोगों को शुरुआत की जरूरत है, कुछ लोगों को बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार की जरूरत है, कुछ लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, और या कुछ लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि आप आ जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगा। तो ऐसे लोगों को पकड़ना, कहीं ना कहीं देखना शुरू करो और उनको सपोर्ट करना शुरू करो उनके गोल में, अपना गोल उनके ऊपर मत थोपो, उनका जो गोल है उस गोल को उनको पाने में उनकी हेल्प करें। और जब हम हेल्प करेंगे तो बिजनेस में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहला काम है प्लानिंग का, आपको क्या करना है और उन लोगों की क्या प्लानिंग है। दूसरा, उस प्लानिंग को लेके लोग ढूंढना कि सही लोग कौन है इस प्लानिंग को पूरा करने के। देखिए आज मुझे अगर यहाँ से दिल्ली जाना है और मुझे कार नहीं चलानी आती, लेकिन मेरे पास कार है तो मुझे ड्राइवर चाहिए, तो मैं ड्राइवर ढूंढूंगा। मुझे फ्लाइट से जाना है लेकिन मुझे फ्लाइट बुक करने नहीं आती, तो मुझे कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा। मुझे कोई टिकट चाहिए ट्रेन का, तो मुझे टिकट के एजेंट चाहिए। मुझे, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के ड्राइवर चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के लोग चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। आज रात को मैं चाहता हूं कि आज रात को आप 70 लोग ये सोचे कि इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, डबल करने के लिए आपको क्या चाहिए। सिर्फ एक लाइन आप बोलोगे कि मुझे मीटिंग ज्यादा कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, आपके बढ़ाने से बिजनेस नहीं बढ़ता। ये बिजनेस उन लोगों के बढ़ाने से बढ़ता है जो आपके बिजनेस में काम करने, अगर वो डबल करेंगे तो आपका बिजनेस डबल होगा, आप डबल करेंगे तो हो सकता है 5%, 10%, 15% का असर पड़ सकता है। ये डबल तब होगा जब उन लोगों की प्लानिंग डबल होगी। आज मैं राजस्थान का बिजनेस अगर डबल करने के लिए सोचूं, मैं महीने में हो सकता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का बिजनेस कर दूं, लेकिन राजस्थान का बिजनेस डबल नहीं हो सकता जब तक आप लोग डबल ना करें, आप अपने अपने लेवल पे डबल ना करें। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस में। और अगर आप कहीं पर आ चुके लेकिन अभी फेल हो गए, तो
अभी पैसा नहीं कमा पा रहे, तो सोचिए कि पुरानी प्लानिंग में कहां मैंने गलती की, क्यों मेरी टीम नहीं बन पाई और कहां पर मेरी गलती रही और उस चीज को मैं कैसे सुधार सकता हूं। तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग और लोग, अगर आप देखेंगे आपने चेस खेला होगा, चेस खेलने में जो मोहरे होते हैं वो मोहरे का सही जगह पे बैठना बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या होता है, सही लोग सही जगह नहीं बैठ पाते और उसके लिए हम लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें देखना है कि किस तरह से हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे आगे चला जा सकता है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इस बिजनेस में आगे के लिए सोचते हैं, प्लान करते हैं और कहीं ना कहीं आगे पॉजिटिव नोट पे इस चीजों को लोगों के साथ में आप प्लान करोगे। ये बहुत जरूरी है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लानिंग, प्लान के बाद राइट बंदा का चॉइस सिलेक्शन आपका, उसके साथ में एक्टिविटी प्लान करना और चौथा उस चीज को मॉनिटर करना। और हमेशा प्लान बनाइए, 1 महीने 2 महीने का प्लान मत बनाइए, आप प्लान बनाइए कम से कम 5 से 6 महीने का उन लोगों के साथ। उन लोगों से बात क्या करनी है, उन लोगों से बात ये करनी है कि सर हम आपके साथ में इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं आपका चेक बढ़े, 5 लाख 10 लाख का या 2 लाख का या 50,000 का या 20,000 का जितना भी हो उतना आप उनको बताइए कि भैया इतने की प्लानिंग है, 6 महीने में आओ करके दिखाते हैं। और लग जाइए उन लोगों के साथ में। आज की डेट में अगर आप मुझसे बोलो कि अमित मैं तुम्हारा पैसा बढ़ाना चाहता हूं और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मेरा पैसा बढ़े, आप भी चाहते हैं आपका पैसा बढ़े। लेकिन इसमें एक सिर्फ ये आउटलाइन डालना कि मेहनत करेंगे, कहां मेहनत करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, कौन सी वाली मेहनत करेंगे, तो उन सारी चीजों पे मुझे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा और आपकी ये सारी डिसाइडेड होनी चाहिए कि किस टीम में मेरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, किस टीम में मेरा सिर्फ घी बिक रहा है, तेल बिक रहा है और साबुन और पेस्ट बिक रहा है, तो मुझे उस टीम में वेल के प्रोडक्ट्स की, होम केयर की, पर्सनल केयर की मीटिंग करानी पड़ेगी सो देट कि आपका बिजनेस बढ़े। और अगर बहुत सारे लोग अपना टाइटल छूट रहे हैं तो उनको स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए, तो उनको स्ट्रक्चर के ऊपर प्लान करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं मोदी केयर क्यों करना है, तो उसमें आपको परिवर्तन की मीटिंग करानी। तो ये सब आप देखिए, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, हमें 50 से 60 लोग चाहिए आपके बिजनेस को बिल्ड करने, आप उस पे आइए, हम लोग आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। इवन आपकी जो अपलाइन है वो सारे लोग, अगर आप देखें सब लोग इतने कैपेबल है कि वो आपको आगे बढ़ा सकते। प्लस मैंने सबसे बड़ी बात की कि जो मेरा मानना है, रात को सोते समय सोने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आज मैंने जो किया उससे मेरा बिजनेस डबल होगा, कल मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस डबल होगा, और कुछ चीजें आपको बैठे बिठाए मिलने लगेगी अपने आप, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव होती जा रही है और एक दिन देखेंगे कि आपका बिजनेस भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पॉजिटिव नोट पे आपने शुरू किया और कई बार जीवा पे लक्ष्मी बैठती है और बिजनेस डबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा है। मोदी केयर टाइम टू टाइम आपको इतने सारे ऑफर दे रहा है, उन ऑफर्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, उन ऑफर्स के ऊपर प्लान करना शुरू कीजिए, और जब आप ऑफर पे प्लान करोगे तो आप देखेंगे आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोगों का बिजनेस डबल हुआ है लास्ट मंथ में, पर क्या सवाल ये है क्या आपका हुआ? मोदी केयर में कुछ भी हो रहा हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए तो आपको पैसा आएगा। आपका बिजनेस घट रहा है, मोदी केयर का बढ़ रहा है, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं। आपका अच्छा तभी होगा जब आपका चेक बढ़ेगा, और आपका चेक तब बढ़ेगा जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको लगता है मेरी अपलाइन से मीटिंग कराने से लोगों का जो फोकस है वो बढ़ता है या टाइटल बढ़ जाता है, तो अपलाइन से मीटिंग कराते रहो। आपको लगता है कि मेरे बात करने से बिजनेस बढ़ता है, आप ज्यादा बात करो। आपको लगता है मेरी होम मीटिंग करने से बिजनेस बढ़ता है, होम मीटिंग डबल कर दो। आपको लगता है कि नए लोगों की ज्वाइनिंग कराने से, उनका ऑर्डर लगवाने से ये ऑफर, ये बिजनेस बढ़ता है, आप वो बढ़ा सकते। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, और जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है।
आशा कुमावत जी का तो हो मैंने बात करी, विमल जी से मैं पूछना चाहता हूं, सर आपका क्या मानना है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा? सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको नई टाइटल के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने कमाल कर दिया सर। मतलब बहुत कम लीडरशिप ऐसी है सर जो कह के काम करती है, बहुत सारे लीडर है जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम लीडरशिप ऐसी जो ठान लेती है कि मुझे करना है और करके दिखाता है। तो सर बहुत बहुत मतलब बधाई आपको कि आपने जो बोला वो आपने करके दिखाया। थैंक यू सर। मैं प्लान कर रहा हूँ सर, इसमें ने डबल चेक के लिए हर लेग में 20 नए बंद जो पुराने लगे हुए हैं उन बंदों को लकी ड्रॉ के बारे में बता रहा हूँ सर, वो 6-6 हजार का ऑर्डर सभी लगा रहे हैं सर। आज मैंने चार, आज न्यू चार बंदों जो पुराने 1.5 साल पहले जिनकी ज्वाइनिंग लगी हुई थी सर, उनको मैंने लकी ड्रॉ के बारे में बताया कि भाई कंपनी का अगर आप 10 तारीख तक 3 हजार का 50 PV का ऑर्डर लगाओगे तो 4 लाख तक की कार मिल सकती है आपको, और सब इतने गिफ्ट कंपनी दे रही है। तो उन्होंने पुराने जो ज्वाइनर थे उनको मोदी केयर का यहाँ पर जेतार में बहुत अच्छा बूम बन गया है, तो उन्होंने कहा आज चार लोगों को मैंने वापस पुरानी आईडी पे उनकी बिलिंग की सर, मैंने 50-50 PV की। अरे और इस महीने में डबल चेक के लिए मैंने ये तय करा सर, हर लेग में 20 बंदों को 6-6 हजार की बिलिंग करवानी है एक्स्ट्रा, न्यू लोगों को, न्यू या पुराने लोगों को, तो वो लेग ऑटोमेटिकली LPV या चेक डबल कर देगी अपना सर। ये प्लान कर रहा हूँ सर मैं 1 तारीख से। वेरी गुड सर, बहुत बेहतरीन सर, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, यही तरीका है सर। देखिए आप बिजनेस को बढ़ाने के 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं कि आप लीडर ढूंढे, और दूसरा 2 पार्ट है बिजनेस के, एक पार्ट है लीडरशिप का और एक पार्ट है सर्विस का। आप लीडर बना रहे लेकिन वहां सम्मान ही नहीं पहुंच रहा या सम्मान ही नहीं, तो भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। एक जगह DPDP है लीडर नहीं है तो वो DP भी कुछ नहीं कर सकती। कहीं पे भी अगर आप देखोगे बिजनेस वहां पर बढ़ रहा है जहां पर लीडर भी है और डीपी भी है, तो वो डीपी भी सर्वाइव करती है, पर डीपी है लीडर नहीं है तो डीपी भी बंद हो जाएगी, लीडर है डीपी नहीं है तो वो लीडर भी बंद हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है, लीडर भी हो और डीपी भी हो उस एरिया में जहां पर हम बिजनेस करें, और आपकी टीम की हो, और आपने तभी डीपी खुलवानी जब आपका लगता है कि आप 5-6 लाख की सेल कर सकते हो महीने की, और वो बंदा मिलके कर सकता है, तो तभी ये सारी चीज देखोगे ये बिजनेस में तभी इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है। और आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग के साथ में बढ़ रहे हैं, और उनको पता है बिजनेस में क्या चाहिए, उनको पता है बिजनेस में लीडर चाहिए और सपोर्ट के लिए DP चाहिए या ऑफिस चाहिए। आज मैं देख रहा था बहुत सारे लोग 20-20 लाख की DP खुलवा रहे, क्यों खुलवा रहे, क्योंकि उस DP पे सारा सामान मिल जाता है। दूसरा, उस DP जब 20 लाख लगाता है कोई तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस की तरह बनता है, ट्रीट होता है कि ऑफिस है मोदी केयर का, और मोदी केयर का ऑफिस मतलब मंदिर है। लेकिन ऐसा ना करें कि 20 लाख 15 लाख की किसी की DP खुलवा दे और उसके बराबर में एक DP और खुल जाए तो कोई सी नहीं चलेगी, कोई सी नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक एरिया में एक DP रखिए, लेकिन बड़ी रखिए, जो बड़ी हो, जिसमें बैठ के मीटिंग हो सके, जिसमें बैठ के ट्रेनिंग हो सके, जिसमें लोग बैठ के डेमो कर सके, जैसे विमल रंकावत जी ने बनाई है ऐसी एक DP होनी चाहिए। एक शहर में एक DP हो आपकी बस, लेकिन आप 5 DP खोलोगे, 5 DP में से 2-2 लाख की कोई सी DP नहीं चलेगी, क्योंकि सबकी सेल 2-2 लाख है, 4,000 या 8,000 रुपए के लिए कोई नहीं बैठेगा पूरे महीने। इसलिए हमें कहीं ना कहीं बड़ी DP पे फोकस करना पड़ेगा, बड़ा सेंटर, और वो बंदा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक सिंसियरली चलाए, सीरियसली चलाए, और वो भी जब पैसा लगता है तो वो भी सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करता है। तो दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, हमें लीडरशिप पे भी फोकस करना पड़ेगा और हमें बिजनेस पे भी फोकस करना पड़ेगा, और बिजनेस लाने के लिए, बिजनेस प्रमोट करने के लिए हमारे पास में लीडर होना चाहिए। जहां आपको लगता है ये लीडर है काम का वहां पे आप DP खुलवाइए, जहां पर लगता है आपको लीडर काम का नहीं है वह किसी और की DP से काम चलाइए, या अपना सेल्फ ऑर्डर बिल्ड कीजिए कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस में कहीं ना कहीं फोकस हो, और उस फोकस होने के साथ में हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग के ऊपर, थोड़ा सा एक्टिवेशन पे, प्लानिंग पे और नई ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक नया ब्लड नहीं आता बिजनेस में, हमें कहीं ना कुछ चीजें ऐसी देखनी पड़ेगी जो बिजनेस में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और वो ही लोग होते हैं जो नए लोग होते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे जो पुराना खून होता है ना, वो 50 PV या 26 PV या 20 या 25 या 40 PV ऐसे रुक जाता है, लेकिन जो नया ब्लड होता है वो ही हमेशा ज्यादा करता है। कई बार हो सकता है जो पुराने लीडर्स हैं वो अपने नंबर पे पीवी ना डाल के किसी और नंबर पे डाल रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैक्सिमम लोग वही पीवी करते हैं जो सिस्टम में दिखता है। और कोशिश करें कि नए लोगों को लाते रहे, क्योंकि नई ज्वाइनिंग जिसकी टीम में आ रही है उसका नया खून आ रहा है तो उसके बढ़ने के चांस ज्यादा है। आज हम देखें चाइना जो है वो अगर एज में देखें ओल्ड कंट्री माना जाता है, क्यों? क्योंकि एवरेज एज वहां पर ज्यादा है। इंडिया हमेशा यंग कंट्री देखा जाता है क्योंकि हमारी एवरेज एज कम है। और ये बिजनेस में, आपके बिजनेस में भी अगर नए लोग आएंगे तो आपका बिजनेस हमेशा यंग रहेगा। आपके बिजनेस में पुराने लोग आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स कि आपका बिजनेस में जो मोमेंटम है, जो स्पीड है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि पुराने व्यक्ति का मैनेज करने का तरीका अलग होता है, उसके अंदर लीडरशिप होती है, जोश नहीं होता। और ये बिजनेस जोश से चलता है। आप आज IPL में आप देखोगे इतना बड़ा क्रिकेट मैच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर भी लगाए हैं उन्होंने आवाज को लाने के लिए, कि लोगों की आवाज भी सुने। तो ये बहुत जरूरी होता है माहौल बनाने के लिए। और अभी जो माहौल बना हुआ है वो मोदी के प्रीमियर लीग का बना हुआ है, और बहुत बेहतरीन मोदी के ने स्टार्ट की है मोदी के प्रीमियर लीग। और इस मोदी के प्रीमियर लीग में अगर आप देखें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस वो कर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मोदी के प्रीमियर लीग क्या है। ये मोदी के प्रीमियर लीग है, इसमें हम लोगों ने 2 इनिंग रखी। जैसे अगर आप देखेंगे क्रिकेट में 2 इनिंग होती है, यहाँ पे भी 2 इनिंग है। पहली इनिंग है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, दूसरी इनिंग है 11 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच। क्या करना है? 50 PV का ऑर्डर लगाना है किसी भी इनिंग में, उस इनिंग के लकी ड्रॉ को जीतने के लिए। और अगर आप कंपनी के बंपर ड्रॉ में आना चाहते हैं तो दोनों इनिंग में 50 50 PV करना पड़ेगा। पहली इनिंग में क्या है, अगर आप देखें पहली इनिंग में जो हमारा प्राइज है वो है, पहली इनिंग के जो स्मार्टफोन है, 30 लकी विनर्स को मिलेगा स्मार्टफोन, 30 लकी विनर्स को मिलेंगे स्ट्रॉली बैग, और 30 लकी विनर्स को मिलेगा SM वॉच सेट, जो कॉम्बो आता है लेडीज एंड जेंट्स का कॉम्बो आता है, 2 घड़ियां आती है इसमें हस्बैंड और वाइफ के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये 90 हो गए, 30 लकी विनर स्मार्टफोन, 30 लकी विनर आपके स्ट्रॉली बैग, और 30 लकी विनर हो गए आपके घड़ियों के, और 1100 लकी विनर चुने जाएंगे आपके जो प्रोडक्ट्स में 1547 रुपए के उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि लगभग 1200 लकी विनर्स को ये प्राइज मिलने वाले। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए प्राइज में आपको जीतने का कितने चांस है। स्मार्टफोन में नहीं निकला तो हो सकता है US पोलो में निकल जाए, US पोलो में नहीं निकला तो हो सकता है SM वॉचेस में निकल जाए, SM वॉचेस में नहीं निकला तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स में निकल जाए। और चलो 10 तारीख तक नहीं निकला तो हो सकता है कि 11 से 20 तारीख में निकल जाए। उसमें क्या प्राइस है, उसमें है 15 स्मार्टफोन 11,000 रुपए के एक फोन की, 15 लकी विनर को मिलेगा। और पक्की 15 लकी विनर्स में से आप देखो आपके कितने चांस, 15 लकी विनर को मिलेगा स्ट्रोली बैग 11,000 रुपए की कीमत का, और 15 लकी विनर्स को मिलेंगी SM वॉचेस 5,500 की, और 900 लकी विनर्स को मिलेगा क्या 1547 रुपीज के प्रोडक्ट्स। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, कैसे मिलेगा? जब पहली इनिंग में खेलेंगे तो पहली इनिंग के लकी ड्रॉ में मिलेगा, दूसरी इनिंग में खेलेंगे दूसरी लकी ड्रॉ में आपको पार्टिसिपेशन का मिलेगा, और अगर आपने 100 PV कर लिए तो 2 टिकट आपके काउंट होंगे पहली इनिंग में, और अगर आपने 500 टिकट 500 PV कर लिए तो 10 टिकट आपके काउंट होंगे पहली ड्रॉ में, और दूसरी ड्रॉ में भी आपने 500 PV कर लिए तो 10 टिकट होंगे आपके दूसरी इनिंग में।
अब जो बंपर ड्रो है उस बंपर ड्रो में कितने जाएंगे, 10 पहली के जाएंगे, 10 दूसरी के जाएंगे, 20 टिकट जाएंगे आपके बंपर ड्रो। पहली में आपने 500 कर लिए तो 10 टिकट, लेकिन आपने दूसरी में कुछ नहीं किया तो आपका एक भी टिकट बंपर ड्रो में नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके टिकट बंपर ड्रो में जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक टिकट दूसरे इनिंग में भी कम से कम चाहिए। आपने पहली टिकट में, पहली इनिंग में 10 टिकट लिए, दूसरी इनिंग में अगर आपने एक टिकट भी ले लिया, एक 50 पीवी भी खेल लिया, तो जो 10 है पहले वाले और एक ये, 11 टिकट आपके जाएंगे बंपर ड्रो में। और बंपर ड्रो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके बिजनेस को कितनी तेजी से या कितना परसेंट चांस है कि आप ये सारे लकी ड्रो आप जीत सकते हैं, साथ में बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। और ये मोमेंटम आपको टीम में बनाना है, अपना अपना एक छोटा छोटा वीडियो बनाओ और ग्रुप में डालना शुरू करो, अपना एक ऑर्डर लगाओ, अपनी पिक्चर लगाओ, ग्रुप में डालना शुरू करो कि मैंने अपने 50 पीवी पूरे कर लिए। फिर जब दूसरी इनिंग आए फिर अपना एक 50 पीवी का ऑर्डर लगाओ और फिर बोलो कि मैंने फिर 50 पीवी कर लिए। और फिर आपके ये दोनों टिकट कहां जाएंगे, ये दोनों टिकट जाएंगे बंपर ड्रो। तो ये इस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से लोगों को ग्रो करा। ये बिजनेस है माहौल बनाने का। देखिए आज की डेट में फेस्टिविटी आ रही है, लोग फेस्टिवल के मूड में है और यहाँ पर आपका बिजनेस भी है। आज देखेंगे आईपीएल का माहौल है और हम चाहते हैं कि ये माहौल और तेजी से आपके बिजनेस में बढ़े और आप अच्छी तरह से बिजनेस को आगे बिल्ड कर पाए। अब लकी ड्रॉ का जो बंपर है उसमें क्या है, उस बंपर में अगर आप देखेंगे हमारे जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगी कार या 4 लाख रुपए की वर्थ की कार वो ले सकते, वो लेना चाहे ज्यादा की ले सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से उनको 4 लाख रुपीज का सपोर्ट होगा। दूसरा जो सेकंड प्राइज है वो है हमारे धूम के 50,000 रुपए का और इसके लिए लकी विनर जो चुने जाएंगे 5 लकी विनर को जो प्राइज मिलेगा वो 50,000 रुपए का मिलता है। और इसके बाद में जो अगला हमारा है वो है लैपटॉप, 10 लकी विनर्स को लैपटॉप मिलेगा 35,000 रुपए का। 10 लकी विनर चुने जाएंगे और उनको हर व्यक्ति को 35,000 का वहां पर मिलता है। एक मिनट में होल्ड कर, तो ये हमें देखना है, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 35 लकी विनर्स चुने जाएंगे स्मार्टफोन के लिए या एलईडी टीवी के लिए, स्मार्ट एलईडी के लिए, और उनको मिलेगा 20,000 रुपए का स्मार्ट एलईडी, 20,000 रुपीज का ईच। 35 जो लकी विनर्स होंगे उन लोगों को 20,000 ईच रुपीज का अगर आप देखें तो यहाँ पर एलईडी टीवी मिला। तो इतने सारे लकी ड्रो है और चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हर में कहीं ना कहीं आपका नंबर आ सकता है। आप देखोगे इतने सारे लकी ड्रो है, 1200 एक में, 945 एक में, तो लगभग 2000 प्लस साथ में देखेंगे 35 ये और साथ में 10 45 और 50 51, लगभग मान के चलिए लगभग 2000 ड्रो निकलेंगे। और 2000 ड्रो में अगर आपका जो है कि लक बहुत तेज है तो आपको कहीं ना कहीं नंबर मिलना, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका इसके अंदर पार्टिसिपेशन। और ये माहौल बनाने का बिजनेस है। मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को अभी तक बहुत आगे ले गए। और मैं आज सीट देख रहा था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टार डायरेक्टर भी इसी के बेस पे बनाया। अभी एक बंदा गया है आज फर्स्ट स्टार डायरेक्टर, 3200 पीवी की उस बंदे ने, 3200 पीवी का मतलब है 64 टिकट, 64 टिकट उसके डलेंगे किसमें, हमारे इस प्रोग्राम में एमपीएल में। और एक टिकट और करेगा तो उसका बंपर ड्रो में भी जो टिकट है वो 65 टिकट जाने वाले।
तो आप सोचिए उसका जो मोदी केयर से बोनस आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतने टिकटों में मैं कहता हूं दो तीन भी निकल गए तो भी उस बंदे का काम हो जाएगा, और आपके टीम में निकल जाएगा तो आप देखना कितना मोमेंटम बनता है, टीवी निकल जाए, लैपटॉप निकल जाए, धूम में निकल जाए या कार निकल जाए। तो ये 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 सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी टीम में कैसा माहौल बनाते हैं, आप अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं। ये बिजनेस जो है वो सब कुछ है सिर्फ आपके वजह से, इट इज ऑल अबाउट यू कि आप कैसे उस टीम को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम में जोश बढ़ते हैं। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे राजा महाराजा लड़ते थे, सेनापति, सेनापति सबसे अहम कड़ी होता था उन युद्धों की, क्योंकि जिसका सेनापति अच्छा है उसकी टीम का मोटिवेशन हाई है, और जिसका सेनापति में कुछ नहीं है उसकी टीम भी टूटी हुई है। और आप अपनी टीम के सेनापति हो, अगर आप आज बैठे हैं, देखिए फादर बनने के लिए, बाप बनने के लिए मुझे 11 बच्चे, 12 बच्चे या 101 बच्चे होने जरूरी नहीं है, बाप बनने के लिए एक बच्चा भी जरूरी है, लीडर बनने के लिए एक टीम में बंदा भी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक भी कर लिया ना, उस एक को भी आप बहुत आगे लेके जा सकते हो। और ये टाइम है कुछ करके दिखाने का, और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कुछ करके दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो टाइम गया जब आप लोग एक साल में, दो साल में, तीन साल में 15,000-20,000 रुपए कमाते थे। आज ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं मोदी केयर में कि वो एक महीने में 40,000-50,000 रुपए कमाने लगते हैं, पहले महीने 40,000-50,000 रुपए कमाने लगते हैं। और तरीका बहुत सिंपल है, जितना सामान जाएगा, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना पैसा ज्यादा आएगा, और ये सिंपल सा गणित है। और टर्नओवर तब बढ़ेगा जब लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे उसमें से लीडर बनेंगे, वो बिजनेस को बढ़ाएंगे। रथ को अगर आप देखोगे घोड़े चलाते हैं, गधे कभी रथ नहीं चलाते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग आके कामयाब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जिनके अंदर जिगरा होता है, जिनके पास कोई ना कोई प्लानिंग होती है। अगर हम सिर्फ अपलाइन की प्लानिंग की वजह से उतर जाए तो भी दिक्कत है। हमें अपना दिमाग लगा के अपने बिजनेस को रात में सोचना पड़ेगा, कैसे डबल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और ये सारी चीजें ही आपको आगे लेके जा सकती है। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ओनरशिप लेना शुरू करते हैं। और कई बार हम लोग अपलाइन के भरोसे होते हैं कि अपलाइन इवेंट करेगा तो हम अपने 40 लोग बैठा देंगे, 50 लोग बैठा देंगे, 20 लोग बैठा देंगे, लेकिन क्या हम अपना इवेंट नहीं कर सकते? आप भी तो अपना इवेंट कर सकते हो ना, 50 लोगों का नहीं करोगे, 30 लोगों का कर लो, 20 लोगों का कर लो, 10 लोगों का कर लो, इवेंट करो, और उन 10 लोगों को बोलो कि भैया आप भी 10-10 लोग लाओ, 100 लोगों का इवेंट करने वाले हैं, आप देखना अपने आप ही 100 लोग हो जाएंगे आपके। तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में ओनरशिप लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए प्लान देखना पड़ेगा। और मैं दिखाता हूं आपको, देखिए इस बंदे ने कितने पीवी कर लिए। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, ये देखिए कितने पीवी किए इस बंदे ने, 1736 पीवी, 34 टिकट आ गए इस बंदे के। इसने 907 किए, इसके 18 टिकट आ गए। इसने 711 किए, 14 टिकट आ गए। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम कर सकते हैं बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये लोग भी तो है ना, ये किसी ना किसी की टीम में तो है, क्या ये आपकी टीम में नहीं हो सकते? आपकी टीम में भी हो सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें टीम में पेट्रोल डालना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, मोटिवेशन डालना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। लोग तब आपके ऊपर विश्वास करेंगे जब आप उनके लिए प्लान करोगे और उनको दिखना शुरू होगा। आज आप हमारे बीच में देखोगे कितने अच्छे लीडर हैं, शंकर जी है हमारे बीच में, हमारे बीच में अरोड़ा जी है, हमारे पास में अगर आप देखें जैतरन से है हमारे लीडर रंकावत जी, स्नेहलता जी है हमारे लीडर, अगर आप देखें नरेंद्र चौहान जी है, निखिल बजाज जी है, या अगर हम देखें छाया सिंगल है, या हम खेमराज अंजारी अंसारी जी की बात करें, तो ऐसे ऐसे लीडर जो अपकमिंग लीडर है, और यही लोग हैं जो आने वाले टाइम में जीवडी बनेंगे,
और इनका नाम क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और ये बार बार प्रूव कर रहे हैं और इनके अंदर रियल में मेटेरियल है, तभी ये इतने बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इतनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग की जरूरत है, प्लानिंग के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनके साथ में उनकी प्लानिंग को लेके बात करने की जरूरत है। क्या करना उनको, कैसे करना, ये भी उनको हेल्प कीजिए। लाख रुपए कमाने का तरीका बताइए। ये मैंने बताया ना, इससे 2 लाख रुपए का बिजनेस, इस लेग से 2 लाख का, इस लेग से 2 लाख का, इस लेग से 2 लाख का, ये 4 लेगों से आपको 2-2 लाख का बिजनेस करना, 8 लाख रुपए का। और ये 8 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो आपके घर में लाख रुपए आने लगेंगे। आप अपने मोहल्ले की दुकान वाले के पास जाओ, उस मोहल्ले वाले से पूछना कि भैया अगर तुम 8 लाख का सामान बेचते हो तो कितना पैसा आता है। वो बताएगा 30-40 हजार रुपए मिलता है, 2-3% का कमीशन आता है दुकान से बेचने पे, जबकि वो 24 घंटे खोलता है। लेकिन 24 हजार यहां पर आपको 8 लाख का माल बेचने पे कितने आ रहे हैं? 1 लाख रुपए, कम नहीं है। और बिना माल लगाए आ रहे हैं, आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपने कोई जगह नहीं लगाई। तो लीडर बनिए और लीडर का काम है टर्नओवर बढ़ाना। आज रतन टाटा या मुकेश अंबानी इतने बड़े कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने टर्नओवर पे काम करा, टर्नओवर बढ़ाने पे काम किया तो पैसा बना और आज वो आप देखेंगे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से आते हैं। बिना टर्नओवर बढ़ाए ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो महीने का 1000 रुपए का बिजनेस नहीं करती होगी, उसको कोई नहीं पूछता। तो मालूम उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि बिजनेस बढ़ाने के लिए। अभी तक बिजनेस कैसे बढ़ा, जब पिछली बार बढ़ा था तो कैसे बढ़ा था, इस बार बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं। और अगर आपको जवाब नहीं मिलता, आप हमसे बात कीजिए, आप अपनी अप्लाइन से बात कीजिए, आप अपनी सुपर अप्लाइन से बात कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। पर मेरा मानना यही है, सोचना आप ही को पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे, मैं आपके दिमाग में आइडिया डाल दूं, वो आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग से नहीं निकला होगा। आप तब काम करते हैं जब आपके दिमाग से आइडिया निकलता है। आप उस चीज को बाय तभी करते हैं जब आपके दिमाग कहता है कि हाँ इसको कर लेना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप देखिए आज इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी कैसे बन गई, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी क्यों है, क्योंकि उसके हर गांव गांव में लोग हैं, हर ब्लॉक में लोग हैं, हर तहसील में लोग हैं। आपको भी बड़ा तभी बनना पड़ेगा जब आपके हर हर स्टेट में लोग हों, हर गांव में लोग हों, हर तहसील में लोग हों। इसके लिए अपनी जगह छोड़िए और निकलना शुरू कीजिए, अलग अलग शहरों में जाइए। जब आप अलग शहरों में जाएंगे, आपको अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग तरह की मेंटेलिटी मिलती है। जो बिजनेस जयपुर में बनता है वो जरूरी नहीं कोटा में बने, या जो कोटा में बनता है वो जरूरी नहीं कि उदयपुर में बने, जो उदयपुर में बनता है वो जरूरी नहीं डूंगरपुर में बने। तो अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस सोच के ऊपर कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, आज ही आप पेपर उठा लो, इस पेपर को उठा लो, इस पेपर में लिखना शुरू करो। ये पहले लेग है, ये एक पहला बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कौन है, ये 4 लोग कौन होंगे मेरे 50 लोगों में से। ये दूसरी लेग बनाइए, इसमें लिखिए ये 4 लोग कौन होंगे, और वो आपके मंत्री है, मंत्रियों से सलाम मशवरा करते हैं और उनके साथ में प्लानिंग करते हैं, भैया तुम अपने डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाओगे, तुम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे। और टीम में एक दिन मीटिंग, इस जूम में बैठे हो, कोई पैसे तो लगता नहीं, आप एक दिन बैठ के सारे लोगों के साथ में मीटिंग करके देखो कि उन लोगों का क्या आइडिया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगता है उस आइडिया पे काम करो, और आपकी टीम को अच्छा लगता है आप उनसे बोलो आप इस आइडिया पे काम करो। और आइडिया कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सबसे पहले कोई कैसे भी आइडिया बताए, कोई अच्छे आइडिया की मेरिट नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही है, बदलाव आना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है आने वाले 4-5 महीने, यानी कि मार्च तक
अपना चेक 1 लाख रुपए दिखाइए, 1 लाख रुपए लाके, और 1 लाख रुपए कमाने वाले आप सोचो ना कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, आसपास में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना, और अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना, अपनी मर्जी से जाना, 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग ढूंढिए। आप विश्वास मानेंगे बहुत सारे लोग हैं जो आपका रास्ता देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले टाइम में आपके भरोसे बैठे हैं, आपका पूरा परिवार आपकी तरफ को देख रहा है। क्योंकि जब आपने मोदी केयर ज्वाइन कराया था तब आपने बताया था कि मैं इतना बड़ा करने वाला हूं कि कोई मेरी फैमिली में नहीं किया, मेरे घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी, महीने का 2 लाख 5 लाख रुपए आएगा, एटलीस्ट उस सपने के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो इतना इतना बेहतरीन बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी है और इतने बेहतरीन आप लोग हैं। देखिए आप लोग मेहनत करके रात को क्यों बैठे हैं, मैं तो मतलब सैल्यूट करता हूं आप लोगों को कि आप लोग रात को 8 बजे मतलब और डेली बैठते हैं, डेली काम करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, डेली लर्निंग लेते हैं, लेकिन एक दिन हम आपके लिए ताली बजा रहे हो कि अमित जी हमने आपकी एक मीटिंग देखी थी और उस दिन डिसाइड करा था कि अमित जी 1 लाख रुपए कमा के दिखाना है और ये लीजिए आप ही के लिए कमा के दिखाए, पर देंगे नहीं आपको। वो दिन ला के दिखाइए जब आप कहें कि ये अमित जी 1 लाख रुपए है और ये देखिए 1 लाख का चेक आया मेरा, अविश्वास मानिए आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और आप मानिए कि 1 लाख रुपए आपको आएगा तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए भी आ रहा होगा और वो लोग आपको भगवान मांगना। और ये सिर्फ 20,000, 30,000 की बात नहीं, आने वाले टाइम में आपको और भी पैसा आने वाला है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी आएगा। लेकिन ये जिद होनी चाहिए, ये अपने आप से जिद होनी चाहिए कि यार मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे 2 लाख, 3 लाख या 1 लाख रुपए नहीं आ जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि आपको कोई सवाल है तो आप लोग सवाल ले सकते हैं, क्योंकि हमने मोदी की और प्रीमियर लीग की बात की। अभी आपको देखा हमारे जो गणेशा जी के पेंडेंट है वो आ गए हैं और बहुत कम है, लिमिटेड है, सिर्फ 1200 पीस आए हैं। आप अपना ऑर्डर लगा के उसको ले लीजिए, बहुत जल्दी कीजिए। घर में गणेश जी का आना शुभ माना जाता है दिवाली पे, और जो दिवाली के आसपास ही आएंगे, अगर आप उसको 1-2 दिन के बाद लगाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो या छुट्टी भी हो जाए, धीरे धीरे छुट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, तो अपनी टीम में गणेशा जी का जरूर से ऑर्डर लगाना शुरू करें, बहुत लिमिटेड है, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। फिर आप कहेंगे मिले नहीं, खत्म हो गए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं लिमिटेड है। दूसरा, जो ऑफर चल रहे हैं अभी बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे, लॉयल्टी पे बिल्ड कीजिए, रीपर्चेज ऑफर पे बिल्ड कीजिए, और सबसे बड़ी बात है एमपीएल में ज्यादा से ज्यादा टिकट अपनी टीम में लेके आइए। तो ये बहुत जरूरी है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और ये हमारा हर महीने का काम है। ये ऐसा नहीं कि कुछ इसी महीने अलग करना, हर महीना अपने पिछले महीने को बीट करना है तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर आपको थकान लगने लगी और आपका मन करता है कि यार क्या करूं, ये तो रोज का ही काम है, तो आप सही बिजनेस में नहीं है। आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आपके मतलब का हो, जिसमें अलग काम ना करना पड़े। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हैंडरेज कीजिए ऑफर के बारे में, या कुछ और जानना चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट यही है, लीडर बनाइए और सपोर्ट के लिए डीपी बनवाइए, और बड़ी डीपी बनवाइए, लेकिन एक शहर में एक बनाइए, 2 डीपी 3 डीपी मत बनाइए। कोई सवाल जानना चाहते हैं, कोई जवाब लेना चाहते हैं, कान्हा राम जी भी है यहाँ पे, मैं इनका बड़ा फैन हूँ कान्हा राम जी का, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित सर, रियली माइंड ब्लोइंग आज की मीटिंग रही, और आपकी सिंपलिसिटी से आप जो मोटिवेशन देते हैं तो लोगों में रियली आग भर देते हैं सर, माइंड ब्लोइंग रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है एमपीएल से रिलेटेड,
एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि फास्ट डायरेक्टर में अगर कोई मान लो 64 टिकट्स कलेक्ट करते हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर, तो सर अगर सेकंड इनिंग में वही पर्सन अगर एक टिकट अर्न करता है तो क्या वो बम्पर ऑफर में पूरे 65 टिकट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। थैंक यू। इसलिए कोशिश कीजिए नई ज्वाइनिंग 10 तारीख से पहले आए, क्योंकि अगर 10 तारीख से पहले नई ज्वाइनिंग आती है और वो पहले लकी ड्रॉ में भी डालते हैं तो दूसरे में भी डालेंगे तो उनको बम्पर में मिल जाएगा, लेकिन 11 तारीख की ज्वाइनिंग के बाद वो सिर्फ लकी ड्रॉ में डाल पाएंगे, बम्पर ड्रॉ में नहीं डाल पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए नई ज्वाइनिंग जितनी ज्यादा हो आप उनको 11 तारीख से पहले, 10 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कराने की सोचिए और उनके साथ में बिजनेस को बढ़ाने की सोचिए। दोस्तों किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करिए, सर हमारे बीच में है, अगर किसी का कोई भी एमपीएल से रिलेटेड या आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप बात कर सकते हैं। लगता है सर आपने इतने पेशेंस से सर मीटिंग ली है, जो सारे डाउट सबके क्लियर है और किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है। रियली सर माइंड ब्लोइंग रही आज की ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच सर। जी सर, अब मैं चाहूंगा हमारे जीबीटी सर नरेंद्र भैया प्लीज आप एक बार मैसेज दीजिए सबको, पूरी टीम को। जीबीटी साहब आउट टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको देखते ही वैसे तो हम पूरा जोश में आ जाते हैं, क्योंकि अमित सर जो हमारी मीटिंग लेते हैं ना तो वाकई में सबको ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि समझो कि आप मान नहीं सकते हो। और वैसे तो सर आप हर चीज इजी भाषा में और अच्छी भाषा में सबको समझाते हो और उसी तरीके से हम लोग आपको फॉलो करते हैं सर, जैसे जैसे आप रास्ता बता रहे हो उसी yes, तरीके से आगे चल रहे हैं और आई होप के अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हम और देंगे। जिस तरह से कंपनी स्पीड बढ़ा रखी सर, वैसे की वैसे ही पूरा पूरा पूरी टीम ने सोच लिया सर के बहुत बड़ी स्पीड के साथ आपके साथ मैच करते हुए हमें चलना है। बिल्कुल सर, देखो आपका गोल और हमारा गोल एक है, इसलिए हम दोनों एक रास्ते पे, आपको भी आगे बढ़ना है और हमें भी आगे बढ़ना है, और आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये पक्का है। और सर आपके बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक दूसरे के दोनों आप लोगों के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसीलिए हम लोग साथ साथ हैं सर, और जहां तक पॉसिबल होगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे सर आपको आगे इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई भी सपोर्ट है, किसी को भी चाहिए, कोई भी डाउट के बिना आप कभी भी फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपनी टीमों में ट्रेनिंग कराना शुरू कीजिए, मीटिंग करना शुरू कीजिए, माहौल बनाना, ये बिजनेस माहौल का है। और माहौल में अगर आप देखोगे आंधी चलती है ना, कितने ही स्ट्रॉन्ग पेड़ हो ना वो भी टूट के गिर जाता है, बहाव में निकल जाता है। जब पानी आता है ना और या बाढ़ आती है, बड़े से बड़े किले भी निकल जाते हैं। और जब कुछ नहीं होता ना, जब हवा नहीं चल रही होती, आप छोटा सा पेड़ नहीं उखाड़ सकते कई बार। तो ये माहौल बनाने का बिजनेस है, और बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूं लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो माहौल बनाता है। अगर आप माहौल बनाते हैं तो आप लीडर हैं, आप माहौल नहीं बना पा रहे तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि लीडरशिप के लिए क्या क्या चाहिए। हेलो, हाँ संकट, निखिल जी भी मीटिंग में, एक बार निखिल जी को भी बुला लो। जी बिल्कुल बिल्कुल जीपी साहब, थैंक यू सो मच जीपी साहब। और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन निखिल भैया को। निखिल भैया प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और आज की मीटिंग को लेके मैसेज दीजिए। आउट टू निखिल सर। निखिल भैया हमारी नई ग्राउंड डायरेक्टर सुनीलता मैडम भी मीटिंग में है, उनको भी बुला लो। निखिल भैया नेटवर्क में नहीं होंगे तो मैडम अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग के बारे में मैसेज दीजिए और ब्रांड न्यू क्राउन। थैंक यू सो मच, एक रेज हैंड था, मैं कब से वही देख रही थी, और फिर भी उनका क्वेश्चन ले लीजिएगा आप। थैंक यू सो मच अमित सर, तो वैसे चले गए हैं, मीटिंग रियली माइंड ब्लोइंग थी, और यही लीडरशिप सबको समझनी है कि एक्शन प्लान जो आप लोगे वही आपकी सफलता तय करेगी, वही आपको आपकी राह बताएगी, वही आपकी मंजिल तय करेगी कि आप कहाँ तक जाओगे। अगर एक्शन प्लान नहीं है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि घर से बाहर निकले हो
और आपको पता है कि मुझे जयपुर जाना है, तो आप पहले से 2 दिन पहले से प्लान करते हो कि जयपुर जाना है, इतनी बजे वाली बस से जाना है, वहां पे रुकेंगे, इतनी बजे वहां उतरना है, फिर ये काम है, ये करना है, वो करना है, वापस इतनी बजे वाली बस से आना है, इतने टाइम लंच करना है, उससे मिलना है, तो वो जो एक्शन प्लान आप कहीं से भी छोटी से छोटी चीज में भी जो एक्शन प्लान तय करते हो ना, सेम एक्शन प्लान यहाँ तो जिंदगी को सफल करने का, आपके घर वालों की खुशियों का वास्ता है, घर वालों की खुशियों से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर इतनी बड़ी जो चीजें हैं वो दाव पे लगी है तो डेफिनेटली बहुत बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है। बस यही कहना है कि पहले से पूर्व सुनियोजित एक्शन प्लान बना के रखिए और प्लान करिए उस पे, और प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट में लाइए, एक्शन में लाइए, और जब एक्शन करोगे तो टीम भी एक्शन करेगी, टीम आपसे सीखेगी, और तब आप आगे जाओगे, और आगे जाओगे तो फिर जिंदगी के मजे कुछ और ही होने वाले हैं। तो प्राउड ऑफ यू ऑल, बढ़िया करिए, बस सिस्टमेटिक वे में करिए। थैंक यू शंकर भैया, ओवर टू यू। जिनकी रेज हैंड है वो जरूर ले लीजिए आप। जी, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया मैसेज दिया, एक्शन प्लान जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे रेज हैंड था एक मुस्तफा जी करके, मुस्तफा जी अनम्यूट करिए अपने आपको। हेलो सर, मैंने बॉम्बे से मजगांव से एक मेरी फ्रेंड है, उनको मैंने मेंबर्स बनाया इसके अंदर, तो वो अभी ये 3000 का जो अमाउंट का जो लेगी 50 पीवी के लिए, तो वो अगर उज्जैन के लिए लेती है इनके पिता फादर के इनके, तो वो कैसे 3000 का अमाउंट का ये पे कर सकेगी, मतलब वो उनको अलग अलग जगह से लेना है, मतलब बिलिंग एक आईडी पे करानी है और अलग 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 जगह से प्रोडक्ट लेना, राइट? हाँ, जैसे मैंने यहाँ से लिया उसके एमसी नंबर से या उज्जैन से लिया, तो बिलिंग तो फिर अलग अलग ही होगी अमाउंट की, नहीं, तो वो कैसे होगा? आपको बिलिंग किस आईडी पे करानी है? मुनीरा जी के नाम से। मुनीरा जी के नाम पे, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कहाँ जाना चाहिए? उज्जैन से मिल चुका है उनको, मिल जाएगा उसको, तो उनसे बात भी हो गई है, पर जो बिलिंग कराएंगी पूरा अमाउंट 3000 का नहीं होगा सर, 1000 मान के चलिए आप, उज्जैन से हुआ 5500 यहाँ से हुआ पाटन से, और एक विरार से होगा 5000 का अमाउंट, पर एमसी नंबर मुनीरा जी के नाम से ही होगा। मैडम जहाँ पे प्रोडक्ट की नीड है वहाँ पे आप उसी आईडी पे ही कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, बस ये है कि 1 से 10 तारीख की जो पहली इनिंग है उसमें 50 पीवी हो जाने चाहिए। ओके सर। हाँ, तो प्रोडक्ट तो आप जहाँ पे नीड है आपको वहाँ से आप परचेज कर सकते हो एक आईडी पे। ओके ओके, ठीक है मैम, आई थिंक क्लियर हो गया। ओके जी, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा अगर निखिल भैया अवेलेबल है तो निखिल भैया आप अनम्यूट करिए और टीम को एक मैसेज दीजिए प्लीज। निखिल भैया आप अवेलेबल हैं? शायद निखिल भैया अवेलेबल नहीं है, तो जीबीडी साहब आउट टू यू, मैसेज देते हुए मीटिंग को एंड करिए क्योंकि 10:04 हो गए हैं। जीबीडी साहब, ओके, नाउ निखिल भैया इज अवेलेबल। हाँ भैया आप अनम्यूट कीजिए। वेलकम भैया। शंकर, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, वेलकम छोटू भैया। और निखिल भैया अभी थोड़े से कहीं बिजी हो गए इसलिए मैं उनके फोन से अभी मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम भैया, आपका भी जो मार्गदर्शन है वो भी अमूल्य है, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे पहले तो आपका स्वागत है, और पूरी टीम को जो हमारे जीबीडीज है लास्ट बचे हुए मीटिंग के अंदर, उनको एक अपना छोटा सा मैसेज दीजिए। बिल्कुल, बस मैसेज यही देना चाहूंगा एक छोटा सा कि प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गई है, मार दो 1 रन 2 रन के पीछे मत भागो, सीधा छक्का चौका लगा दो और जल्दी से जल्दी अपनी टीम में 1350 पीवी के मैक्सिमम बिलिंग्स हमारे को करानी है, इससे आपका जो एलपीबी लहग है वो तैयार होगा, आपका जो